नमस्कार, मैं हूं विदोजा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के कचहरी चौराहे पे बाबा भीमराव अम्बेडकर की, जहां पे मूर्ति लगी है। आपको बता दें कि आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में यहां पे युवा जन कल्याण समिति के द्वारा जो है आज यहां पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पे समिति के अध्यक्ष कुलदीप पांडे हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि वो आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपका सर इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब आपके चाहिए की आप जो है हम सभी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज युवा जन कल्याण समिति के बैनर तले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 133वीं जन्म जयंती समारोह हम लोग जो हर्षोल्लास साथ मना रहे हैं। विगत एक दशक से हमारी जो युवा संगठन की टीम है इसी प्रकार से यहाँ जो प्रतिभा स्थल पे आकर के कार्यक्रम करती है। और एक सबसे एक अनोखी बात हमारी संस्था की ये है कि यहाँ पे जितने भी जो बाबा साहब के प्रेमी है या जितने भी संविधान प्रेमी है वो यहाँ इकट्ठा होते हैं और साथ में मिलकर के जो बाबा साहब को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें जो सम्मान पत्र भी दिया जाता है। आज बाबा साहब की जो है 133वीं जयंती मनाते हुए हम लोग काफी हर्ष हो रहा है कि हमारे देश के जो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें जो हम लोग याद करके युवा पीढ़ी जो है एक आगे चल के एक अपने अंदर जो प्रेरणा जाहिर करता है कि हम जो समाज के प्रति जो है कुछ सकारात्मक दिशा में जो है जा सके, कुछ कार्य कर सके। इंडियन टीवी से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप जैसा कि आप इंडियन टीवी न्यूज पे अभी देख रहे हैं, ये हमारी कवरेज है और बेसिकली आपको बताते चले कि हमारा देश 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 1950 में लागू हुआ था, जिसके लिए हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपको ये भी बताते चले कि संविधान बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की ही थी, इसलिए आज सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देश उनका जो है कहीं ना कहीं ऋणी है कि उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें देश के हर नागरिक के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुविधाएं मौजूद है। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। भारत माता की जय।